everyone, this is Shalmali from Dafty Dames and I'm back to welcome you all to our channel. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, then don't forget to press the subscribe button ताकि आप हमारे innovative videos देख सकें जो हम in future upload करेंगे या फिर जो हमने previously upload की है वो videos भी आप देख सकें. And I know you guys must be wondering कि Shalmali आती है तो दुर्गा जाती है, दुर्गा आती है तो Shalmali जाती है. When are they gonna come together? Soon, very soon. But उससे पहले आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं. So today's video is very special for us because one of our best friends is getting married और उसके engagement अभी कुछ ही दिनों में है. So I'm going to be making an engagement ring platter for her. And as you can hear, even the sparrows are excited for the video. विल स्टार्ट बाई टेकिंग टू टी लाइट होल्डर्स. ये हमारे बेस रहेंगे टू होल्ड द रिंग्स. और एक थिक फोम शीट लेंगे अबाउट 2 mm साइज की और सर्कुलर शेप में काट देंगे बिकॉज दिस विल बी द बेडिंग फॉर द रिंग. ये बहुत अच्छी तरीके से बैठ गए हैं. सो आई थिंक विल नीड वन मोर, सो विल डू 3 each. Now let's bring in my best friend, Mr. Hot Glue Gun. तो इन 3 foam sheets को हम लोग glue gun से चिपका देंगे so that it forms a nice and sturdy base. So ये ready है और मैंने दूसरा already करके रखा था. Now let's see if it fits properly into our tea light holders. इसको थोड़ा दबा के अंदर डाल दीजिए. So that is properly, you know, it forms a nice shape. So moving on, let's cover our foam beds. तो मैंने एक वेलवेट का कपड़ा लिया है ब्लू कलर का एंड आई एम जस्ट गोना मेजर इट आउट और एक थोड़ा एक्स्ट्रा सर्कुलर शेप में काट दूंगी सो दैट इट इज़ नाइसली कवर्ड. सो इसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में अटैच कर दीजिए. यू कैन स्टेपल इट और यू कैन यूज़ अ ग्लू गन और एनी अदर एडहेसिव दैट यू हैव. Even Fevi Bond will do. And once that is ready, let's see if it fits. And it's done. Let's see how it looks. Thoda baki, I will need to glue it to the base. But for now, let's keep it aside and move on. It's looking pretty, isn't it? Now let's move on to our base. So I've taken a normal plate, हमारे normal खाना खाने की जो थाली रहती है वो, and I'm going to cover it with some faux fur. ये नॉर्मल लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा. सो वी टेक अ क्लॉथ और प्लेट के हिसाब से मेजरमेंट लेंगे. विल कीप अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड विल कट इट इन अ सर्कुलर शेप जस्ट अराउंड द प्लेट. सो वंस दैट इज कट, ऑल वी नीड टू डू इज स्टिक इट टू द प्लेट. तो फॉर दैट आई हैव टेकन फेवी बॉन्ड विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव. सो उसको पूरा जेनरसली प्लेट पे लगा दीजिए एंड लीव इट असाइड फॉर अबाउट 10 seconds सो दैट इज सेमी ड्राइड एंड डू द सेम ऑन द क्लॉथ इज वेल, बैक साइड ऑफ द क्लॉथ. इसको भी थोड़ा सा हम लोग फेविबॉन लगा देंगे, उसको थोड़ा एक 5-10 seconds तक रखेंगे एंड देन वील जस्ट स्टिक दैम टुगेदर. Now make sure that you press it properly onto the plate so that कहीं पे भी थोड़ा opening ना हो. Make sure that it is completely stuck onto the plate, even the edges. So once the front side is done, move on to the back side. अभी ये थोड़ा circular shape है, so we'll need to make a cut and we'll have to overlap it. So एक part हम लोग चिपका देंगे और उसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट चिपकाएंगे एंड देन यू कंटिन्यू इट अलोंग द एंटायर सर्कल. सो दैट्स हाउ यू ओवरलैप इट एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू मेक दीज कट्स अलोंग द एंटायर सर्कल. लेट्स कीप वर्किंग. I
and our base plate is all ready. Now for the main backdrop. So I've taken these three sticks. So these are basically those bamboo sticks, and I've just knotted them together with some jute thread. और ये जो एक्सेस है वो हम लोग काट देंगे. सो वी हैव अ परफेक्टली शेप्ड फ्रेम. दीज आई हैड फ्रॉम माई लास्ट ईयर्स कंदिल्स दैट आई हैड मेड. तो घर पे ही पड़े थे तो काम आ गए. सो अ बेसिक स्केलेटन फॉर द फ्रेम इज रेडी. नाउ वी जस्ट नीड टू डेकोरेट इट. एंड एंटर्स माई फ्रेंड मिस्टर हॉट ग्लू गन अगेन. So we cover one side of the stick with some hot glue and wrap it up with some frilly lace. So you just keep wrapping it till you reach the end. Cut off any excess and seal it with some hot glue. सेम स्टेप दूसरी साइड पे भी हम लोग रिपीट करेंगे. एंड देयर इट इज ऑलरेडी. नाउ लेट्स ब्रिंग इन द क्लॉथ दैट विल बी यूजिंग एज द कर्टन. तो इसको मेजर करने के लिए उसको सिर्फ फ्रेम के नीचे प्लेस कर दीजिए. इट नीड्स टू बी अ लिटिल लॉन्गर देन व्हाट द फ्रेम एक्चुअली इज. सो विल नीड टू ऑफ दीज. नाउ लेट्स स्टार्ट फोल्डिंग इट अकॉर्डियन स्टाइल, जो हम लोग बचपन में स्नेक वगैरह बनाते थे ना वैसा. Once that is done, इसको अच्छे से iron कर देंगे so that you have these proper pleats. So frame को top पे मैंने कपड़े से cover कर दिया है so it doesn't look messy. और इसके ऊपर directly हम लोग हमारा curtain चिपका देंगे with my friend Mr. Hot Glue Gun. So one side is done. Now let's do the other one, and our curtains are ready. Let's see how they fit onto our plate. They are perfect. So once the curtains are placed, let's decorate it with some lace to hide all this messiness. It's coming together beautifully, isn't it? Let's add some lace on the back of the frame as well, so it looks nice and complete. And let's seal in any extra bits that are coming out. So now hamare curtains ko wo drawback curtains ka feel dene ke liye, let's gather it on one side and let's take a golden lace. It's a rope lace that I've taken, aur isko hum log directly curtains ko tie kar denge. And let's repeat the process on the other curtain as well. Now we need to make the base. So I've taken these two thermocol pieces and I'm going to use them as the base for the frame. Aap wooden dowels bhi le sakte hai. So basically you're just going to shove the stick directly into the thermocol. To scissors ya cutter ke sath thoda center mein incisions kar de so that the frame can go directly and stay sturdy in the thermocol. Of course for some extra security, let's add some glue as well. Once the frame is properly placed in the thermocol, ऊपर से भी थोड़ा हम लोग सेफ्टी के लिए ग्लू लगा देते हैं. Now let's see if it fits perfectly onto our plate. And I think it does. Now we just need to attach it. So I've attached it to the base with some hot glue gun and some Fevibond. थोड़ा extra security के लिए सब extra लगा दिया है. And to cover the thermocol, मैंने extra जो lace बची हुई थी वो completely वो thermocol के ऊपर चिपका दी है. A curtain frame is ready. Let's move ahead. तो ये हम लोग ने starting में जो bedding बनाई थी for the rings, तो वो सिर्फ बना के दिखाए थे. So let's stick it and place it properly so it doesn't move around. So I'm going to start by sticking a small circular part of this velvet cloth on top of our bedding, और उसको फिर मैंने cover करके directly चिपका दिया है.
सो हमारे इस कर्टन फ्रेम के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा ब्यूटी के लिए मैंने और एक एक्स्ट्रा लेस लगा दी है। लेट्स ब्रिंग आवर बेडिंग फॉर द रिंग्स। तो इसको मैंने वो बेस पे चिपका दिया है विद सम हॉट ग्लू गन। नाउ जस्ट एडेड सम एक्स्ट्रा फेरी लाइट्स, कम्प्लीटली ऑप्शनल। एंड नाउ लेट्स मेक कटिंग्स सो दैट वो रिंग अंदर बैठ सके। सो सेंटर में एंड यू नीड टू गो अ लिटिल डीप सो दैट द रिंग्स कैन यू नो प्रॉपरली बी इंसर्टेड इनसाइड। एंड जस्ट मेक दिस कट्स एंड दैट्स इट। सो चलो ट्राई करते हैं रिंग अच्छी तरह से बैठ रही है कि नहीं। एंड इट फिट्स परफेक्टली। वाओ, द एंगेजमेंट रिंग्स आर लुकिंग लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस। ये तो नॉर्मल हमारी रिंग्स डाल के देखी है मैंने फॉर ट्रायल। सो अ ब्यूटिफुल एथनिक एंगेजमेंट रिंग प्लेटर इज ऑल रेडी एंड द सीट्स आर वेटिंग फॉर द रिंग्स। So we're done with today's video और हमारा ये engagement ring platter completely ready है। So it's turned out very cute and very beautiful। इसको मैंने थोड़ा ethnic look दिया है, so it looks nice and traditional with the drape साड़ी के feel वाला। And I absolutely love it, so I hope that my friend loves it as well। And I know the sparrows love it because I can hear them chirping in the background। So और अगर आपको ये video पसंद आया हो तो do give us a big fat thumbs up और ये video जरूर अपने friends और families के साथ share कीजिए because as you know the wedding season is on, तो बहुत helpful हो जाएगा ये video बहुत लोगों को जिनको ऐसे कुछ platter ready करना होगा। And of course we are always there, you can DM us on Instagram, we are Dafty Dames on Instagram as well, और या फिर आप comment में भी message डाल सकते हैं हमको, we'll sure check it out। And I think that's it for today, so until next time, this is Dafty Dames signing off. Bye!